भारत दुनिया के 17 जैव विविधता संपन्न देशों में से एक है। केवल 2.5% भूभाग पर भारत करीब 7.8% वन्य प्रजातियों को संरक्षित किए हुए है। इस देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% क्षेत्र जंगलों से घिरा हुआ है, लेकिन शहरीकरण विकास से ये संसाधन प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में इन संसाधनों के साथ लगभग 10.4 करोड़ जनजातीय आबादी की आजीविका जुड़ी हुई है और जनजातीय महिलाएं इन संसाधनों की सुरक्षा करने में सबसे आगे हैं। भारत जैसा विविधता पूर्ण देश पारंपरिक ज्ञान का बहुत विशाल स्रोत हो सकता है, विशेष रूप से उस ज्ञान का जिनका स्रोत महिलाएं हैं। भारत की जनजातीय महिलाएं भारतीय वन संसाधन और जैव विविधता के पहरी। जनजातीय महिलाओं को वनों का गहरा ज्ञान है। वे यहाँ नियमित रूप से खेती करने के साथ साथ पानी, जलाऊ लकड़ी, जड़ी बूटियों, अंकुर और चारे के लिए भी जंगलों पर ही निर्भर हैं। जनजातीय महिलाओं के ज्ञान से जल और जैव विविधताओं का संरक्षण, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली और जलवायु संबंधी चुनौतियों का समाधान भी प्राप्त होता है। वन और जैव विविधता में किसी भी तरह की गिरावट का बुरा प्रभाव भी सीधे महिलाओं पर पड़ता है। इसके बावजूद जनजातीय समाज की कई प्रथाओं से ये साफ है कि यही समुदाय जलवायु संकटों के अनुसार अनुकूलन और समुधानशील बनने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। जनजातीय महिलाओं को जंगलों की गहरी समझ है और वे उनकी सुरक्षा में जुटी हुई हैं। उदाहरण के लिए, हाल ही में कोविड के समय महिलाओं ने मशरूम, पत्तेदार सब्जियों और फलों सहित 117 प्रकार के वन खाद्य पदार्थों की पहचान की, जिसका उपयोग वे कर सकती थी। कुछ जनजातियों में महिलाएं सुबह से लेकर देर रात तक अपने कीमती जंगलों की रक्षा के लिए 4 से 6 महिलाओं के छोटे छोटे समूह बनाकर अपनी पाली में जंगल की सीमा पर गश्त करती हैं। भारत सरकार का वन अधिकार अधिनियम 2006 वन में महिलाओं की भूमिका को मान्यता देता है। इसके अलावा समुदाय में महिलाओं के समान स्वामित्व अधिकार और व्यक्तिगत वन अधिकार भी प्रदान करता है। इस अधिनियम में वन अधिकार के प्रमाण पत्र पर संयुक्त नाम का प्रावधान है। अविवाहित महिलाएं तथा महिला मुखिया वाले परिवार एकल अधिकार पत्र का दावा कर सकते हैं। वन पर महिलाओं का अधिकार उनकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उनकी सशक्तिकरण के लिए। इस अधिनियम में सतत विकास के लक्ष्यों में योगदान देने वाले और जलवायु अनुकूलन के लिए प्रकृति आधारित समाधान की अपार संभावनाएं हैं। जिस तरह जैविक विविधता पर संधि को लागू करते हुए सतत विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं, उसी तरह हमें जनजातीय महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सशक्तिकरण को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिससे उम्मीदों का नया संसार खुलेगा।